शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली की वजह से सोने चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। बीते सत्र में विदेशी बाजार में सोना चांदी मजबूती के साथ बंद हुए थे, वहीं रुपए में गिरावट की वजह से घरेलू वायदा बाजार यानी कि MCX पर सोने चांदी मजबूती के साथ बंद हुए। जानकारों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव और महंगाई की चिंता के बीच सोने चांदी में मजबूती दर्ज की जा रही है। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक इंट्राडे में MCX पर सोना अप्रैल वायदा में 50,500 रुपए के लक्ष्य के लिए 49,800 रुपए के भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। सोने के इस सौदे के लिए 49,450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चांदी मार्च वायदा 64,000 रुपए के भाव पर खरीदारी करके 65,200 रुपए का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चांदी के इस सौदे के लिए 62,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वहीं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक आज के कारोबार में MCX पर सोना अप्रैल वायदा में 50,555 रुपए के लक्ष्य के लिए 49,800 रुपए के भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। सोने के इस सौदे के लिए 49,550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरी ओर चांदी मार्च वायदा में 63,900 रुपए के भाव पर खरीदारी करके 64,400 से 64,850 रुपए का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चांदी के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 63,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।